تی بروٹ کن بخاری صاحب اخ گزارش کر یہ بڑ بار علاق مگر ونکن تہ حکومت مگر شکر اللہ تعالیٰ سن تہ سہ عہدہ دمت تم تختر کر करीम अम्मा बैद आउज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसी मेहरबान से नज़र मिली, ये दिलो जिगर ये जबा मिली, मुझे जुल्मतों में आवा मिली, दर मुस्तफा पे सुकून के रस मुबारकबाद देवन डार सबस तिमो तो मया ये मुसीबत के वहां तुम क्या सारा आराम के काणू मगर वही अकलीद वो तन साधन मोहतरम जनाब अता बुखारी सारी शकली मंज ये जन दो को नस मुसीबत सन लिया वे के आचू मुकाबल का भगवान तो पानी जोती कर खुदा गवा तो ये जन अता सब दिन पोस मैं को पानी मारी सी होने जा मैं तो आन कसरो तो मैं की बजा सो और मजबूर मेरे का बकर हाथ ऐसे को आका नहमद व नुसैला रसूल करीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मोहम्मद वाला आलिही व सहाबी व औलादी व अज़वाजी। सदर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जनाब सईद अल्ताफ बुखारी साहब जाइस में बैठे हुए हमारी रियासत जम्मू गैलेक्सी ऑफ द लीडर्स खवातीन व हजरात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कुछ सत्ताईस में से आजादी गमत महाराज हरि सिंह ये द्राव शेख महमूद इमेज कुर्सियन पीत और तिंद बच्चे ये फेसबुक पमो कैसन अप्स एंड डाउन्स अगर तमाम दुनिया पे नजर त्रो तमाम मुल्कन पे नजर त्रो पीडीपी अगर बीजेपी पीडीपी वो उनसे कभी आप लोगों ने सवाल किया तो ये रुकन वो बीजेपी रुकने का काफी सारे सियासी पार्टियों का शायद शौक ये होगा कि जितनी यहाँ बदअमनी होगी उनका उसी में फ़ायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि नहीं, अपनी पार्टी का यकीन है कि यहाँ अगर अमन बहाल होगा हमारे नौजवानों के फ्यूचर की हम ज़्यादा ज़मानत सेफ फ्यूचर की ज़मानत दे सकते हैं, उनकी जॉब्स और बाकी चीज़ों की ज़मानत दे सकते हैं। यही तो मुद्दा और मकसद है हमारा। बुखारी साहब मालूम नहीं है और इस वक्त पूरे मुल्क से लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि बेहतरीन मौसम है और हर एक को हम वेलकम करते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। शेख साहब का जो के साहब अल्लाह ताला उन दोनों को गरी के रहमत कहें करें और वो खुद ही जवाब देंगे। हकीकत एक बयान कर रहे हैं कि 370 और 35 ये या सुप्रीम कोर्ट वापस कर सकती है या पार्लियामेंट कर सकता है और मुझे लगता है ये हमारा फ़र्ज़ है कि सच बोलें, लोगों को धोखे में ना रखें। और हमारा जो कोर एजेंडा है अपनी पार्टी का है वो है स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, नौकरियों का जो तहफ़ुज़ करना था अपने नौजवानों के लिए वो हमने करके दिखाया, ज़मीनों का तहफ़ुज़ इंशाल्लाह 95% वो भी करके दिखाया। तो मैं तो वही बात कहूँगा जो सच है और मैं अपने लोगों में जब जा रहा हूँ तो यही पैगाम लेके जा रहा हूँ कि साहब अब सच बात ये है, सच की सियासत ही करनी है और अमन कानून में यकीन रखिए। जेके स्टेट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।